राइट, 10 दिन के लिए मैं लंदन गया, बहुत एंजॉय किया, जहां जहां शाहरुख खान का छल्ला गाना शूट हुआ वहां गया, राइट, और सबसे महंगी टिकट ली, यहाँ 500 रुपए नहीं होते थे वेस्टइंडीज से पहले मैच देखने के, यहाँ मेरी टिकट थी 1,65,000 रुपए की, कितने की, राइट, और एक बार जोरदार तालियां। जब आपके लेफ्ट में एक सिंह, जब आपके राइट में एक सिंह, तो बीच वाला क्यों नहीं बनेगा किंग? Yes, yes. Yes. तो फ्रेंड्स, ये लाइफ सिर्फ वेस्टइंडीज में पॉसिबल है, ऐसी मैनेजमेंट नहीं मिल सकती, ये हिंदुस्तान को वरदान है, वेस्टइंडीज और वेस्टइंडीज मैनेजमेंट इज ब्लेसिंग्स टू इंडिया एंड इज ब्लेसिंग्स टू इंडियंस। तो आप समझेंगे तभी जब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस बिजनेस में ये शिवानी डांडेकर, गैरी कर्स्टन, इन लोगों के साथ डिनर करने का मौका मिला, वसीम अकरम, राइट, बहुत 2019 का इंडिया पाकिस्तान का मैच था ये वाला, तो सब आए हुए थे खिलाड़ी, और ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बेबो, मैं बेबो उनके उनके पति देव, है ना, ये आप, फिर मैं पर्सनल टीम के साथ थाईलैंड गए, ये सो रहा है इसलिए मैं जग रहा था, ये जग रहा होता तो मैं सो रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड होते हैं, कुछ कहते नहीं है, राइट। फिर हम लोग गए साउथ अफ्रीका, कहाँ गए, साउथ अफ्रीका, और ये हमारा होटल था, वेलकम मूवी देखिए, वेलकम, जहां पे अक्षय कुमार पहली बार उससे मिलता है कटरीना कैफ से, वो ये होटल होता है, राइट, होटल सन सिटी, आप देखिए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे त्रिदेव, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के थॉट प्रोसेस को ही बदल के रख दिया। और ये चंगू मंगू, ये भी गहरा धो ले गया, राइट, मतलब ये इतने काले थे कि अंधेरे में मैं चलते चलते इतने ठुक गया, मैं भाई यहां पे ट्यूबलाइट लगा के रखो, दिखे ही नहीं मुझे अंधेरे में, मैंने अगले दिन पकड़ा, तुम ही थे क्या। फिर हम पेंगुइन कॉलोनी गए, रॉबन आइलैंड एक जेल थी, एक आइलैंड था उस पे जेल बनाई गई थी स्पेशली फॉर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने 27-28 साल अपार्थाइड के अगेंस्ट, मतलब रंगभेद के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी, और वो 27 में से 18 साल उन्हें इस कमरे में रखा गया, हमारे लिए एक साल घर में रहना कितना टफ हो गया था, घर में रहना कितना टफ हो गया था, सब ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, है? कितना टफ हो गया था, उन्हें 18 साल इस कमरे में रखा गया, किसे, और वहां पे लोग बताते थे कि कितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोमा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, कई लोगों की डेथ हो गई, पर नेल्सन मंडेला वॉज मेंटली सो स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने 18 साल इस कमरे में बिताए और अपने देश को आजादी दिलाई, अपने देश के लिए, ये मैंने फोटो इसलिए डाली है, अगर एक इंसान अपने देश को आजादी दिलाने के लिए 18 साल इस कमरे में बिता सकता है, तो आप अपने परिवार को समय और पैसे की आजादी दिलाने के लिए क्या 3 साल घर से बाहर नहीं बिता सकते, क्या 3 साल हम घर से बाहर बिता सकते हैं, ये सुनो। और ये गाला डिनर पे दीपल मैम, ये कैप टाउन क्रिकेट स्टेडियम में सुनते थे, जो सबसे सुंदर स्टेडियम वर्ल्ड का है केप टाउन में, और यहां जाने का मौका मिला, वेस्टइंडीज ने जो हमें लाइफस्टाइल दी, ये टेबल माउंटेन, और ये देख रहे हो पूरी केप टाउन सिटी नीचे है, और हम यहां जाने के बाद एक चीज रियलाइज होती है, थैंक गॉड, अपनी पीठ थपथपाने का मन करता है, क्यों, क्योंकि उन लोगों की नहीं सुनी जो मना करते थे, अगर उनकी सुन लेते ना तो यहां नहीं पहुंचते, राइट, ये लाइफस्टाइल हमें वेस्टइंडीज ने दी, और अभी वेस्टइंडीज ने इतिहास बनाया, 10,000 से ज्यादा लोग थाईलैंड गए, आप बताइए कौन सी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन 10,000 लोगों को बैक टू बैक थाईलैंड ट्रिप पे लेके गई, कोई नहीं, ये वेस्टइंडीज में ही पॉसिबल है, और वेस्टइंडीज ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, राइट। और फिर मैं अभी अपनी फैमिली के साथ, मेरा 6 साल का ये भांजा है, ठीक है, ये मेरे जीजू है, ये मेरी सिस्टर है, ये तरुण जी उनकी मदर है, अब अपनी पूरी फैमिली को लेके वियतनाम गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, पूरी फैमिली को लेके, इससे बड़ी खुशी मैं क्या बताऊं आपको, क्या हो सकती है, आपके परिवार आपसे एक उम्मीद करता है कि जो आप लाइफ जी रहे हो वो उन्हें भी मिले। मेरी सिस्टर बोलती थी,
मेरा भांजा 6 साल का, मुझे 6 साल की उम्र में पता नहीं था फ्लाइट क्या होती है, एरोप्लेन क्या होता है, और इन्होंने बहुत वहां एंजॉय किया जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज, सच में दिल से वेस्टीज। तो इतना मानते हैं हम और हमारा पूरा परिवार कि वेस्टीज में नहीं होते तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। नेक्स्ट, पहली कार मैंने वेस्टीज से ली, अभी मालदीव का तो डाला ही नहीं मैंने इसमें। पहली कार नेक्सा बलेनो 8.5 लाख रुपए की एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में पहली कार ली, और दूसरी कार 25.5 साल की उम्र में मैंने यहां से ली, और जो थी ऑडी Q3, ऑडी 42 लाख रुपए की कार 25.5 साल की उम्र में। बाहर बताओ कहां पॉसिबल है, सिर्फ एक जगह पॉसिबल है, कोई भी टेररिस्ट एकेडमी ज्वाइन कर लो, तुम चलाओ ना चलाओ तुम्हारे बच्चे जरूर चलाएंगे, सही बता रहा हूं, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये वेस्टीज में पॉसिबल है, आप सोच के देखिए। मैंने अपने पापा को बताया मैंने कार ली है 42 लाख रुपए की, कार होंगे और काली कार इसलिए ली नजर ना लगे। ट्रस्ट मी, इस कार की खासियत बस यही है जब ये चलती है लोगों की जलती है और मजा उसी में है, जलने वालों को फूक दो राइट। दो कार और रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हो लड़का, ये वही है जो वहां क्लास में बैठा था, आज देखो कैसा लगता है। ऐसा नहीं लग रहा है एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर रहा। मैंने कहा यार तुम्हारी ये फोटो देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे एलओबी छीन ली होगी, लग नहीं रहा। ये देखो यहाँ एलओबी मिल गई, देखो ये देखो ये बंदा क्या बेचता था, आज देखो वाह। ये देखो इस बंदे ने पैंट भी टिका रखी है हम कंधे पे, नहीं तो टिकने का पैंट का कोई जरिया नहीं है, टिका रखी है आज देखो। बहुत सारे वेस्टीज के माध्यम से न्योते आते हैं, इनविटेशन आते हैं कि आप उस हमें, मुझे शूलिनी यूनिवर्सिटी बुलाया गया बच्चों को ये बताने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग में इस बिजनेस में क्या स्कोप है, मतलब जो पढ़ाई मैंने कभी पढ़ी नहीं वो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, राइट। तो ये सब पावर शुरुआत यहां से की थी, 62,000 किलोमीटर मैंने अपनी बाइक को चलाया तब जाके मेरी पहली कार आई थी। लोग कहते हैं लक्की हैं, हाँ आप भी अपनी बाइक को 62,000-65,000 किलोमीटर चला लो वेस्टीज में, आपकी गाड़ी आ जाएगी गारंटेड, राइट। तो ये थी मेरी स्टोरी, ये कैसी लगी आपको, ये आपकी तालियां बताएंगे। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, मेरा ब्रेक है आपका नहीं, थैंक यू।